नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सीव्यू आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में कैसे डालना चाहिए और मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप एक एंटीबायोटिक दवा है। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप का उपयोग आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन होना, आंखों में भारीपन महसूस होना, आंखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, आंखों में सूखापन होना, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना और रोशनी के प्रति आंखों की संवेदनशीलता ज्यादा होना आदि लक्षण आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। आंखों की कोई सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आंखों में इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आंखों में सूखापन होना, आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में खुजली होना, आंखों में सूजन होना, आंखों का लाल होना और आंखों की दृष्टि का कुछ समय के लिए धुंधला होना आदि साइड इफेक्ट्स मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की वजह से हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद आंखों में बहुत तेज जलन, खुजली और आंखों में रेडनेस की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को दिन में 3 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं और 7 दिन तक लगातार आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को लगातार 1 सप्ताह से अधिक डॉक्टर की सलाह के बिना आंखों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को डालने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को डालने की वजह से आंखों में सुपर इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। सुपर इन्फेक्शन यानी एक नया इन्फेक्शन आंखों में हो जाता है। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद कम से कम 30 मिनट तक किसी अन्य दूसरी आई ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की उस बोतल का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए और मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की खुली हुई 1 महीने से पुरानी आई ड्रॉप को आंखों में नहीं डालना चाहिए। मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद मोक्सीव्यू आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और मोक्सीव्यू आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि मोक्सीव्यू आई ड्रॉप प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मोक्सीव्यू आई ड्रॉप को डालने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मोक्सीव्यू आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।